कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची 4 के अनुसार चिट्ठे में चालू संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत आने वाली मदों को दर्शाइए। इसके लिए क्योंकि चालू संपत्ति शीर्षक के बारे में केवल कहा गया है कि चालू संपत्ति में कौन कौन से शीर्षक आती है, केवल उनको लिखना है। तो जब हम बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कुल मिलाकर हमको एक तो इसको याद रख लेना है कि चालू संपत्तियों के अंतर्गत किन किन संपत्तियों को शामिल किया जाता है। और जैसे कि हमने वीडियोस में भी देखा कि चालू संपत्ति के अंतर्गत जो छोटे छोटे उसके शीर्षक होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, उनको हमने विस्तार से जाना है। फिलहाल यहाँ पर हमको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लेंगे छोटा सा, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट का। इसमें हम जो हमारा मेन जो टॉपिक होता है एसेट्स, उसको लिखेंगे और उसके अंतर्गत हम करंट एसेट्स पहले लिखेंगे। और आइए देखते हैं कि इसमें किन किन उपशीर्षकों को शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं सबसे पहले ए करंट इन्वेस्टमेंट, बी इन्वेंट्रीज, सी ट्रेड रिसीवेबल्स, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और एफ अदर करंट एसेट्स। और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हमको सिर्फ फॉर्मेट बनाने के लिए कहा गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अंतर्गत निम्न मदों को किन मुख्य शीर्षकों में दर्शाया जाएगा? पहला, प्रतिदेय मांग पर ऋण प्रदान, लोन प्रोवाइडेड रिपेबल ऑन डिमांड। दूसरा, ख्याति यानी कि गुडविल। तीसरा, कॉपीराइट। चौथा, कलपुर्जे लूज टूल्स। पांचवा, चेक। छठवा, सामान्य संचय जनरल रिजर्व। सातवा, निर्मित माल का स्टॉक स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आठवा, 9% ऋण पत्र 3 वर्ष बाद प्रतिदेय, 9% डिबेंचर रिपेबल आफ्टर 3 ईयर। यहाँ पर क्योंकि हमको कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 को फॉलो करना है, वहां पर किस तरह से ये आइटम दर्शाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले हम 3 कॉलम बना लेंगे इसमें, सीरियल नंबर का, आइटम का और मेजर हेड का, क्योंकि विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है कि केवल मुख्य कॉलम, मुख्य शीर्षक की यहाँ पर बात की गई है। तो फर्स्ट हमारा जो आइटम है जिसे हम कहेंगे लोन प्रोवाइडेड रिपेबल ऑन डिमांड, क्योंकि मांग पर प्रतिदेय ऋण है। और अगर हम टेबल को देखें, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 को देखें, तो ये जो आइटम है ये करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दर्शाया गया है। दूसरा, गुडविल जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, नॉन करेंट एसेट्स है ये। तीसरा, कॉपीराइट, इसे भी हम नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। चौथा, लूज टूल्स, ये भी इसका मेजर हेड भी नॉन करेंट एसेट्स होगा। बहुत सावधानी से हमको यहाँ पर लिखना है और अनुसूची 2013 और अधिनियम 2013 अनुसूची 3 भाग 1 के जो फॉर्मेट में दिया गया है उसको फॉलो करते हुए हमको लिखना है। चेक जो है वो भी करंट एसेट्स के अंतर्गत आएंगे। जनरल रिजर्व जो है वो शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत आते हैं, तो इनका मेजर हेड जो होगा वो शेयर होल्डर फंड होगा। देन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा, हमने वीडियो में भी बहुत विस्तार से इसके बारे में जाना। 9% डिबेंचर रिपेबल आफ्टर 3 ईयर और ये भी नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार कंपनी के चिट्ठे में निम्न मदों को किन मुख्य एवं उपशीर्षकों में दर्शाया जाएगा? पहला, लाभ हानि विवरण में शुद्ध हानि नेट लॉस एज शो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा, पूंजी शोधन कोष कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तीसरा, बॉन्ड्स। चौथा, मांग पर ऋण प्रतिदेय चुकौती लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड। पांचवा, बकाया अनपेड डिविडेंड। छठवा, भवन बिल्डिंग ट्रेडमार्क और कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल। क्योंकि यहाँ पर हेडिंग और सब हेडिंग दोनों की बात की गई है, तो यहाँ पर हम 4 कॉलम वाला एक टेबल बनाएंगे और सबसे पहले हम इसमें सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर्स जिसके अंतर्गत हम आइटम को लिखा जाएगा उसको लिखेंगे। थर्ड कॉलम जो होगा वो मेजर हेडिंग का होगा और फोर्थ कॉलम सब हेडिंग का होगा। तो फर्स्ट जो टॉपिक है लाभ हानि विवरण में शुद्ध हानि, क्योंकि ये लॉस है, इसको हम शेयर होल्डर्स फंड से में लिखेंगे। मेन हेडिंग जो होगी वो शेयर होल्डर फंड की होगी और सब हेडिंग ये आएगा रिजर्व एंड सरप्लस एज निगेटिव आइटम, क्योंकि लॉस है तो उसके अंतर्गत हम शामिल करेंगे। बहुत सावधानी से हमको यहाँ पर लिखना है और इसको लिखते समय
या तो हमको अपने ध्यान में रखना है कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 का जो प्रोसेस है, या फिर वो हमारे सामने होना चाहिए, तभी हम इसको सही तरीके से लिख पाएंगे। दूसरा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है, क्योंकि ये इसका जो मेन हेडिंग है, मेजर हेडिंग जिसे हम कहते हैं, वो शेयर होल्डर फंड है, और सब हेडिंग की बात करें तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत आता है। तीसरा जो आइटम है वो है बॉन्ड, जिसे कि हम मेजर हेडिंग में नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत डालेंगे, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होते हैं तो इनको सब हेडिंग में हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंतर्गत शामिल करेंगे। फोर्थ आइटम है लोन पेबल ऑन डिमांड, जिसे हमने पहले भी देखा कि एक प्रकार की ये करंट लायबिलिटी है, और मेजर हेडिंग में हम इसको करंट लायबिलिटी के अंतर्गत लिखते हैं, लेकिन सब हेडिंग में हम इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंतर्गत लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड एक प्रकार की करंट लायबिलिटी है, हालांकि मेजर हेडिंग में हम इसको करंट लायबिलिटी में डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जब हम सब हेडिंग में इसको लिखेंगे तो अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत शामिल करेंगे। सिक्स पॉइंट है बिल्डिंग। बिल्डिंग जो कि मेजर हेडिंग में नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है, और सब हेडिंग जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम फिक्स एसेट्स टेंजिबल के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। ट्रेडमार्क जो है वो हमने देखा पहले भी नॉन करेंट एसेट्स है, और नॉन करेंट्स में भी ये इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। रॉ मटेरियल एक प्रकार का करेंट एसेट्स हम मानते हैं, और जब सब हेडिंग इसके अंतर्गत हम लिखते हैं तो इन्वेंट्रीज में हम इसको इंक्लूड कर देते हैं, तो इन्वेंट्रीज के अंतर्गत ये शामिल किया जाएगा। इस प्रकार हमने जो प्रश्न देखे, उन प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं थी, केवल हमको ये याद रखने के लिए कि जो हम कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 का भाग 1 हमने जो देखा, और साथ ही साथ कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची की अनुसूची 6 के अनुसार भाग 1 का जो फॉर्मेट देखा, उसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी समझ बनी है कि कौन कौन सी संपत्तियां, कौन कौन से दायित्व किस हेडिंग यानी किस मेन हेडिंग और किस सब हेडिंग के अंतर्गत आएंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्न जानकारी जेड लिमिटेड के पुस्तकों से ली गई है। आप कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार 31 मार्च 2015 को चिट्ठा बनाइए। पहला, दीर्घकालीन ऋण 1000, व्यापारिक देयताएं 60, दीर्घकालीन ऋण 1000, व्यापार देयताएं 60 रुपीस, अंश पूंजी 800, संचय एवं आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस 180, स्थायी संपत्तियां फिक्स एसेट्स टेंजिबल 1600, स्कंद इन्वेंट्रीज 40 रुपीस, व्यापारिक प्राप्य ट्रेड रिसीवेबल 160, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 240, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ट्रेड पेबल्स शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 को हमको यहाँ पे फॉलो करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लायबिलिटीज का पोर्शन हम तैयार करेंगे और उसके नीचे फिर एसेट्स का तैयार करेंगे। फॉर्मेट हम बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे जैसे कि हमने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अंतर्गत देखा था, और फर्स्ट हेडिंग में हम लिखेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और इसके अंदर जो हेडिंग आएगी वो आएगी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंतर्गत इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ढूंढें तो हमको जो सब टॉपिक जो मिलेगा वो फर्स्ट होगा शेयर कैपिटल, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 800 की दी गई है। सेकेंड, यहाँ पर हमको एक रिजर्व एंड सरप्लस भी दिखाई दे रहा है 180 का, तो उसको भी हम इसी हेडिंग में लिख लेंगे। मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट्स जो थर्ड इसका टॉपिक होता है, सब टॉपिक उससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया गया, लेकिन एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर लिख कर डैश कर देंगे। सेकेंड जो हमारी हेडिंग होती है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि जैसे हमने रूल में देखा कि हेडिंग तो हमको लिखनी है भले वहां पर हम उसको ब्लैंक छोड़ दें, प्रारूप हमको पूरा तैयार करना है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट जो है वो होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज का। हमने वीडियो में भी बहुत अच्छे से देखा कि नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या है, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में अगर हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखें क्वेश्चन में तो हमको कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं मिल रहा है,
तो इसके जो सब हेडिंग्स होते हैं उसको हम यहाँ पर लिख के ब्लैंक छोड़ देंगे, डैश कर देंगे, जिस जैसे कि हम देखते हैं कि ए जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट जो है सब टॉपिक लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, वो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है दीर्घकालीन ऋण के रूप में 1000, उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे अमाउंट कॉलम में 2014-15 में। लेकिन उसके बाद के जो सब टॉपिक होते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत, उसमें से कोई भी पॉइंट यहाँ क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे, लेकिन अमाउंट कॉलम को हम डैश करके ब्लैंक छोड़ देंगे। सेकेंड, इसके अंतर्गत सब हेडिंग आती है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, उसको हम बी करके लिखेंगे, और सी में हम लिखेंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, डी हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसमें से कोई भी पॉइंट क्वेश्चन में नहीं दिए गए तो हम इनको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे अमाउंट कॉलम को। फोर्थ जो हमारी मेन हेडिंग होती है लाइबिलिटीज की, उसके अंतर्गत हम लिखते हैं करेंट लाइबिलिटीज। अब इसमें चार सब हेडिंग्स आती हैं इसकी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें से हमारे पास केवल एक सब हेडिंग यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है ट्रेड पेबल, तो उसकी अमाउंट हम 60 रुपीज यहाँ पर अमाउंट कॉलम में लिख देंगे, लेकिन बाकी जो तीन पॉइंट है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इस पूरे प्रश्न में से लाइबिलिटीज के जो पॉइंट थे वो हमने अलग कर लिए। अब सेकेंड हमारा जो बनेगा वो एसेट्स का होगा। एसेट्स में फर्स्ट हम जो मेन टॉपिक लिखते हैं, मेन हेडिंग, वो होता है नॉन करेंट एसेट्स का, जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट डालते हैं फिक्स एसेट्स, और उसमें बहुत सारे सब हेडिंग होते हैं, तो उसमें से एक हमको एसेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि प्रश्न में दिया गया है टेंजिबल एसेट्स 1600 का, स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स टेंजिबल 1600, वो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में फिक्स एसेट्स के अंतर्गत। लेकिन बाकी हेडिंग्स को भी हमको यहाँ पर लिखना है, भले हम उसकी अमाउंट ना लिखें। तो इसमें सेकेंड पॉइंट है इनटेंजिबल एसेट्स, थर्ड है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फोर्थ है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसमें जो नॉन करेंट एसेट्स है उसका जो मेन टॉपिक है बी, वो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सी है डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, इसको हम लिखेंगे। डी हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, और ई हम लिखेंगे अदर नॉन करेंट एसेट्स। सेकेंड जो इसकी मेन हेडिंग आती है वो होती है करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स में जो बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें से हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट होता है, सब टॉपिक होता है, वो है करंट इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। सेकेंड जो होता है वो होता है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्रीज 40 रुपीज की है, उसको हम लिखेंगे। देन ट्रेड रिसीवेबल दिया है 160 रुपीज का, तो उसको हम लिखेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया गया है 240 का, उसको हम लिखेंगे। ई जो इसका सब हेडिंग आता है वो है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो अमाउंट कॉलम हम ब्लैंक छोड़ देंगे। और एफ जो है वो अदर करेंट एसेट्स दिया गया है, उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब ये बैलेंस शीट हमारी बनकर तैयार हो गई है, अब हमको केवल इसका टोटल करना है। तो एसेट साइड का टोटल हम कर रहे हैं 800, 180, 1000 और 60, तो 2040 आ रहा है टोटल। तो लाइबिलिटी का हम टोटल कर रहे हैं 800, 180, 1000, 60, तो ये टोटल आ रहा है 2040। और एसेट्स का हम टोटल करेंगे 1600 प्लस 40 प्लस 160 प्लस 240, तो ये भी 2040 से हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अनुसार चिट्ठा बनाइए। 10% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपए का 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 इच 1,90,000, व्यापारिक स्कंद स्टॉक इन ट्रेड 40,000, ख्याति गुडविल 20,000, कर के लिए प्रावधान प्रोविजन फॉर टैक्स 6,000। यहाँ पर क्योंकि हमको वर्टिकल फॉर्म में एक बैलेंस शीट बनानी है शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, यहाँ हम नेम लिख देंगे, बैलेंस शीट लिख देंगे ईयर एंडेड का, और उसके बाद हम यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमने देखा कि इक्विटीज एंड लाइबिलिटी आती है, तो इक्विटी लाइबिलिटी के अंतर्गत हमको बहुत सारी जो हेडिंग दी गई है उसमें हमको सिर्फ एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और उसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी में एक ही पॉइंट हमको यहाँ पर दिया गया है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग यहाँ पर हम लिख देंगे 1,90,000। देन
करंट लाइबिलिटी दी गई है, एक पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है, तो करंट लाइबिलिटी में हम ये एक सब हेडिंग लिख देंगे उसकी, प्रोविजन फॉर टैक्स 6000। लाइबिलिटी से रिलेटेड और कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया गया है, छोटा सा क्वेश्चन है। एसेट्स के भी एक दो पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गुडविल दिया गया है, तो गुडविल जो है वो हमने वीडियो में देखा कि नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत आता है, तो नॉन करेंट एसेट्स की हेडिंग में हम इसको लिख देंगे गुडविल 20,000। दूसरा एक स्टॉक इन ट्रेड दिखाई दे रहा है, तो स्टॉक इन ट्रेड को हम करंट एसेट्स के अंतर्गत लिखते हैं, तो यहाँ पर हम एडिंग डालेंगे करंट एसेट्स और उसके अंतर्गत हम लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड 40,000। तो इस तरह से जो कि हमको प्रश्न में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने वर्टिकल फॉर्म में ये बैलेंस शीट तैयार कर ली है। बच्चों, कंपनी अधिनियम 2013 में आपने देखा कि किस प्रकार वित्तीय विवरण के अंतर्गत बैलेंस शीट का प्रारूप बनाया जाता है। इसी के अंतर्गत जब कंपनी अधिनियम 2013 आया तो अनुसूचित 3 में पहले हम जो लाभ हानि खाता बनाते थे उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, उसके नाम को चेंज कर दिया गया और फिर उसे लाभ हानि विवरण यानी कि स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जाना जाने लगा। स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस का हमने प्रारूप देखा, यहाँ पर लाभ हानि खाता का जो विवरण है इसका जो मुख्य पृष्ठ है जिसे हम फेस बोलते हैं इस अकाउंट का, इसमें मुख्य मदों को लिखा जाता है, मेन जो अमाउंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है, लेकिन वो अमाउंट आई कहाँ से इसके लिए एक अलग से अकाउंट नोट तैयार किया जाता है, जैसे कि हम आगे क्रियात्मक प्रश्नों में देखेंगे। और ये जो लाभ हानि खाते को चेंज करके लाभ हानि विवरण के नाम से इस पूरे प्रारूप को तैयार किया जाता है, इसके अंतर्गत यह दर्शाया जाता है कि लेखांकन अवधि के दौरान कितना लाभ हुआ और उस पूरी अवधि में हानि की क्या स्थिति रही। इस पूरे लाभ हानि विवरण में हम देखते हैं कि यह इस प्रकार से लाभ और हानि का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। लाभ हानि खाते का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम पर्टिकुलर यानी कि विवरण लिखेंगे और उसके बाद नोट नंबर यानी कि टिप्पणी संख्या, थर्ड कॉलम में हम वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की राशि यानी कि फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड लिखा जाएगा, और फोर्थ कॉलम में हम पिछली रिपोर्ट अवधि की राशि यानी कि फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड को लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आएगा प्रचालन से आगम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड पॉइंट अन्य आय अदर इनकम, थर्ड पॉइंट कुल आगम टोटल रेवेन्यू, जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को ऐड कर देंगे, फोर्थ एक्सपेंसेस यानी कि व्यय, इसके अंतर्गत हम उपभोग की गई सामग्रियों की लागत यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को लिखेंगे, व्यापार स्टॉक का क्रय परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और तैयार माल अर्धनिर्मित और व्यापार स्टॉक माल में स्टॉक के परिवर्तन को लिखेंगे, जिसे हम चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड के नाम से लिखेंगे, कर्मचारी हितार्थ व्यय एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस को लिखेंगे, वित्तीय लागत यानी कि फाइनेंस कॉस्ट शामिल की जाएगी और इसके अंतर्गत हम हास और प्रत्युसर्जन व्यय को शामिल किए गए करेंगे, और उसके बाद अन्य व्यय यानी कि अदर एक्सपेंसेस को शामिल किया जाएगा, और इस पूरे का जो टोटल है उसे हम कुल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के नाम से दर्शाएंगे, फिफ्थ अपवाद स्वरूप एवं असामान्य मदे एवं कर के पूर्व के लाभ यानी प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, इसके अंतर्गत हम थर्ड पॉइंट में से फोर्थ पॉइंट को माइनस करके यहाँ पर दर्शाएंगे, सिक्स पॉइंट में हम लिखेंगे अपवाद स्वरूप मदे एक्सेप्शनल आइटम्स, सेवेंथ पॉइंट में हम लिखेंगे असामान्य मदे एवं कर के पूर्व लाभ प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, जिसके अंतर्गत हम फिफ्थ पॉइंट में से सिक्स पॉइंट को माइनस करके लिखेंगे, एट्थ पॉइंट के अंतर्गत हम लिखेंगे असामान्य मदे यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम,
नाइन्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कर के पूर्व का लाभ यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके अंतर्गत हम सेवन पॉइंट में से एट पॉइंट को माइनस करके लिखेंगे। टेंथ पॉइंट होगा कर व्यय यानी टैक्स एक्सपेंसेस, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के करों को लिखा जाएगा, वर्तमान कर करंट टैक्स, दूसरा परिवर्तित कर डेफर्ड टैक्स। ग्यारहवें पॉइंट के अंतर्गत हम लिखेंगे लाभ हानि सतत आगम की अवधि का समय, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम काउंटिंग ऑपरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत हम नाइन्थ और टेंथ पॉइंट को माइनस करके लिखेंगे। ट्वेल्थ पॉइंट के अंतर्गत हम लाभ हानि असतत आगम से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। थर्टीन पॉइंट के अंतर्गत हम लिखेंगे असतत आगम के कर योग्य व्यय, टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। 14 पॉइंट के अंतर्गत हम लिखेंगे लाभ हानि असतत आगम को कर के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, यहां हम 12th पॉइंट में से 13 पॉइंट को माइनस करके लिखेंगे। 15th पॉइंट में हम लिखेंगे लाभ हानि की अवधि के लिए यानी प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, इसमें हम 11th पॉइंट में से 14 पॉइंट को माइनस करके लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे उपार्जित प्रतिसमता अंश, अर्निंग पर इक्विटी शेयर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट बेसिक आधार रहेगा और सेकंड पॉइंट तरल आधार रहेगा। अब अगर हम देखें कि लाभ हानि विवरण की जो विषय वस्तु है वास्तव में वो क्या है, थोड़ा सा विस्तृत रूप से अगर उसको जाने तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत देखते हैं आगम यानी कि रिवेन्यू। अब आगम यानी कौन सी आगम, तो यहाँ पर हम उस आगम को लिखते हैं जो कि प्रचलन से यानी कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो होता है, व्यापार संचालन से जो आगम प्राप्त होती है उसका वर्णन हम यहाँ पर करते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि कंपनी के संचालन, केवल संचालन संबंधी जो रेवेन्यू जो आय होती है उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया जाए, अन्य आय इसके अंतर्गत नहीं लिखी जाती है। अब अन्य आय क्या है जिसे रेवेन्यू में, यहाँ पर हमको ऑपरेटिंग रेवेन्यू में शामिल नहीं करना है, तो इसके अंतर्गत हम कुछ जो पॉइंट शामिल करते हैं उसमें होता है व्यापार की अन्य स्रोतों से आय, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि स्थायी संपत्ति के विक्रय से भी आय होती है। कंपनी अपनी स्थायी संपत्तियों का समय समय पर विक्रय कर देती है, बेच देती है, जैसे कि फर्नीचर है पुराने, मशीनरी पुरानी है, मोटर व्हीकल्स पुराने हो जाते हैं, तो कंपनी इन संपत्तियों को बेच देती है, तो इन संपत्तियों से जो आय होता है उसको हम रेवेन्यू इनकम में ऐड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। या फिर वैसे ही एक एग्जांपल हम देखते हैं कि बट्टा प्राप्त होता है, नगद बट्टा, कई बार पेमेंट की कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि कंपनी को कहीं पर बट्टा प्राप्त होता है, किन्हीं एक दशाओं में ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इन सब चीज़ों को अदर इनकम में इंक्लूड करके हम लिखते हैं। तो आइए इन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह का एक क्रियात्मक प्रश्न देखें। एक गैर वित्तीय कंपनी के निम्न जानकारी के आधार पर परिचालन से आगम, अन्य आय और कुल आगम की गणना कीजिए। इस प्रश्न में जैसे कि हम देख रहे हैं कि केवल हमको प्रचालन आगम और अन्य आय दिया गया है और उसके आधार पर हमको कुल आगम की गणना करनी है। तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सेल कितना है। तो यहाँ प्रश्न में हम देख रहे हैं कि सेल है हमारी 12 लाख की, सेल रिटर्न है 2 लाख का, सेल स्क्रैप है 25,000 का, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स है 30,000 के और डिविडेंड अर्न है 10,000। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल लिखेंगे 12 लाख की और इसमें से हम माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न 2 लाख का, तो नेट जो सेल बनती है हमारी वो हो जाती है 10 लाख। और इसमें हम जब जोड़ेंगे सेल ऑफ स्क्रैप जो हमने सेल किया है 25,000, तो टोटल अमाउंट हमको नेट अमाउंट कॉलम में मिल जाती है 10,25,000। दूसरी जो इसकी हेडिंग है वो होगी अदर इनकम। तो अदर इनकम में यहाँ हम प्रश्न में देख रहे हैं कि दो तरह की अदर इनकम दी गई है,
इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा डिविडेंड। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट दिया गया है 30,000 जिसको हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, डिविडेंड दिया गया है 10,000 जिसको हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, टोटल 40,000 की अदर इनकम यहाँ पर शो हो रही है। अब टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को एड कर देंगे, तो यहाँ पर हमको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा 10,65,000। निम्न जानकारी से वित्तीय कंपनी के लिए परिचालन से आगम, अन्य व्यय और कुल आगम की गणना कीजिए। विविध आय मिसलेनियस इनकम 5,000, ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन 8,00,000, लाभांश यानी डिविडेंड 1,00,000, भवन के विक्रय पर लाभ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 15,00,000। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत हम दो तरह की मदों को शामिल करेंगे। एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है यहाँ पर, उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे 8,00,000। और जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि इसके जब कैलकुलेशन हम करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के, तो डिविडेंड भी हम इसमें रेवेन्यू में शामिल कर देते हैं, तो डिविडेंड हमको दिया गया है यहाँ पे 1,00,000, तो ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा हमारा 9,00,000। उसके बाद अदर इनकम दी गई है प्रश्न में, तो सबसे पहले अदर इनकम जो होगी वो हो जाएगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 15,00,000 की, और मिसलेनियस इनकम के नाम से दिया गया है 5,000, तो मिसलेनियस इनकम को भी हम अदर इनकम में ऐड करके लिखेंगे 5,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो टोटल आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि नेट अमाउंट कॉलम में हमको 9,00,000 रुपीज दिखाई दे रहा है, और अदर इनकम जो आ रही है वो नेट अमाउंट कॉलम में 15,05,000 से शो हो रही है। यानी कुल मिलाकर जो टोटल रेवेन्यू है फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट को ऐड करते हुए वो हो जाएगा यहाँ पर 24,05,000। तो आपने देखा कि किस प्रकार रेवेन्यू इनकम को हम लाभ हानि खाते में लिखते हैं। अब हम बात करें इसके दूसरे पक्ष की यानी कि व्यय की, तो व्यय के अंतर्गत हम किन किन मदों को शामिल करते हैं इस पर एक नजर डालें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यय होते हैं उनको अलग अलग कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला जो व्यय होता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यानी प्रयुक्त सामग्री की लागत। दूसरा व्यय आता है व्यापार के लिए क्रय किया गया स्टॉक, परचेस ऑफ स्टॉक फॉर ट्रेड। तीसरा एक व्यय हम करते हैं जिसे हम कहते हैं तैयार माल, अर्धनिर्मित माल तथा व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड ट्रेड प्रोडक्शन, ट्रेड स्टॉक। चौथा जो एक्सपेंस यहाँ पर किया जाता है वो होता है कर्मचारी हितार्थ व्यय, जिसे हम एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी मदें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं। एक व्यय होता है जिसे हम कहते हैं वित्तीय लागत यानी कि फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद इसमें आता है हास या प्रत्युसर्जन व्यय, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, और अन्य व्यय। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारी जो रेवेन्यू इनकम होती है उनसे हटके कुछ इनकम अलग होती है जिन्हें हम अन्य आय या अदर इनकम के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक उसी तरह अन्य व्यय यानी अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं जो इन मदों से हटकर होते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से उपशीर्षक आते हैं, यानी कि किन किन मदों को इन शीर्षकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम जाने प्रयुक्त सामग्री की लागत। जैसे कि हम यहाँ पे नाम से ही देख रहे हैं कि मटेरियल ऑफ गुड्स कंज्यूम, मटेरियल यूज्ड, कौन जब हमने प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, तो कितनी मात्रा में मटेरियल यूज हुआ। अब हम बात करें कि कौन सा मटेरियल, तो वो मटेरियल जो हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक स्कंद में था, और प्लस हमने उस वर्ष के दौरान जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हमने परचेस किया, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे में से कितना कंजप्शन हमने, कितना माल हमने यूज़ कर लिया। तो एक सीधे तौर पर जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एक फॉर्मूला यूज़ हम कर लेते हैं। यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो इसके आधार पर हम बहुत आसानी से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यानी कि प्रयुक्त सामग्री की लागत को कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए एक क्रियात्मक प्रश्न के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं।
दूसरा बिंदु इसके अंतर्गत आता है व्यापार के लिए स्टॉक का क्रय। जब हम बात करते हैं व्यापार के लिए स्टॉक के क्रय की, तो इसमें हम उस माल के क्रय को शामिल करते हैं जो हम पुनः विक्रय के लिए खरीदते हैं, लेकिन उस माल को हम यहाँ पर शामिल नहीं करते जो कि खरीदा जाता है, फिर उसका रूप परिवर्तन करके उसको निर्मित माल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर बेचा जाता है, वहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। अब जबकि हम बात करते हैं तैयार माल, अर्ध निर्मित माल और ट्रेड स्टॉक, व्यापारिक स्टॉक जो रहता है, तो यहाँ पर इसका आशय है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है, इन दोनों के बीच तीनों ही प्रकार के माल का, चाहे वो तैयार माल हो, अर्ध निर्मित माल हो या व्यापारिक स्टॉक हो, तीनों के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस क्या है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ये जो डिफरेंस होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का इन तीनों के लिए, वो कई बार पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर यहाँ पर हम देखिए कि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है और क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो जाहिर सी बात है कि जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। लेकिन इसके विपरीत, अगर ओपनिंग स्टॉक कम है और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। ठीक इसी तरह हम बात करते हैं कर्मचारी हितार्थ व्यय की, तो इसके अंतर्गत वो सारे व्यय शामिल कर लिए जाते हैं जो कि एक कंपनी अपने कर्मचारियों के हित के लिए करती है। जैसे कि हम देखते हैं इसमें वेजेस जो दिया जाता है उसको शामिल किया जाता है, साथ में इसमें सैलरी को भी शामिल किया जाता है, कर्मचारियों को समय समय पर या फेस्टिवल या किसी स्पेशल ओकेजन पर दिया जाने वाला बोनस भी कर्मचारियों के हित के लिए होता है, उसको शामिल किया जाता है। सभी कंपनियों में कर्मचारियों को बहुत सारी छुट्टियां भी दी जाती हैं, उन छुट्टियों के अपने अलग अलग नाम होते हैं। कई छुट्टियां ऐसी होती है जो विद पेमेंट दी जाती है, यानी कर्मचारी छुट्टी पर भी रहता है और उसको पेमेंट भी मिलती है, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं लीव इनकैशमेंट। और साथ ही साथ स्टाफ वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उन पर होने वाले जो खर्च होते हैं, ये सारे के सारे खर्च जो है वो कर्मचारी हितार्थ व्यय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक इसी तरह अगला जो इसमें शामिल किया जाता है वो होता है वित्तीय लागत, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट। एक कंपनी को हमने शुरू से देखा, जब हम कंपनी का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ऋण की आवश्यकता हमेशा एक बनी रहती है, तो ऋण लेने के लिए जो खर्च कंपनी करती है, बहुत आसानी से किसी कंपनी को ऋण नहीं मिलता, उसका भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो ऋण लेने के लिए कंपनी वास्तव में जो खर्च करती है, वो सारे खर्च इस बिंदु के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो कंपनी ऋण के लिए बहुत से खर्च करती है, जिसे हम कहते हैं लोन प्रोसेस, जिसके अंतर्गत लोन प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो आ सकती है, साथ में कई बार गारंटी चार्जेस देने होते हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, और इसी के अंतर्गत डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया तो यहां पर भी कोई ना कोई व्यय हुआ ये मान लिया जाता है, और साथ में इसमें शामिल कर दिया जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कई बार जब डिबेंचर का रिडम्पशन करना पड़ता है, तो जैसे कि हमने देखा जब हम रिडम्पशन वाला चैप्टर देख रहे थे, तो वहाँ पर हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करके एक एक्सपेंस को निकाल लेते थे, तो इसको भी इसी एक्सपेंस के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से बहुत सारे व्यय अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत किए जाते हैं, और उन शीर्षकों में भी बहुत सारे छोटे छोटे व्यय विभाजित होते हैं। आइए इनसे संबंधित एक क्रियात्मक प्रश्न के द्वारा इसे और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं।